लुकिंग सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे यस दिख रहे हैं सर। अरुण जी, और आपने भी अभी पहले ट्राई किया था, फिर बाद में आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अरुण यस जी, सर। आपका पूरा नाम बताएं प्लीज, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में बताएं, और आप गाना स्टार्ट कीजिए, कौन सा गाना ओके चाहेंगे? सर, माय नेम इज अनिरुद्ध शर्मा, आई एम फ्रॉम फाजिल्का पंजाब एंड नाउ आई एम सिंग अ। हेलो। जी, हाँ जी सर, मैं आपको एक सर राहत फतेह अली खान जी का सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ, रब्बा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, प्लीज गाइए अनुरुद जी। हाँ जी। सुन है मौला तेरे घर विच सजदा अनुरुद जी, असी हो। हाँ जी सर। मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा माइक को थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए, आपकी वॉइस बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा ओके सर। और पास, थोड़ा पास लीजिए, ये बहुत ज़्यादा हेलो। हाँ डिस्टेंस जी हो सर। जाएगा, ठीक है ये सर। ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा ये। बस हेलो। हाँ जी। कितने पे रखिए, प्लीज ओके। प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। आपने बहुत अच्छी स्टार्ट कीजिए, लेकिन मैंने बीच में मुझे रोकना पड़ा, नो क्योंकि इशू आपकी वॉइस नहीं नो आती इशू। तो फिर वो ऑडिशन नहीं हो पाता। विश यू ऑल द ओके बेस्ट। ओके सर। सुन है मौला तेरे घर विच सजदा असी हो कलाया लख जन्मा तक सीमा होइया साढ़े हिस्से दस की पाया सोच सोच के थक गया पर साड़ी समझ ना आया रब्बा केड़ी गल दी सजा दिती सानू दस दे जरा अखियां च सुपने तिड़क गए ते टुट गए परे दिले हो के जो सांच रुक गए मुकद्दर भी दे गए दगा रब्बा केड़ी गल दी सजा दिती सानू दस दे जरा किस्मत ने मोड़े कैसे मोड़ मंजिल ते सी कोई हो मुश्किल बड़ा तन्हाया दा दौर चलदा नहीं कोई साडा जो क्यों दे दिलाच सवाल बनने तेरे अगे साडे सवाल बनने ये तेरी रजा रब्बा केड़ी गल दी सजा दिती सानू दस दे जरा। थैंक यू। क्या बात है अनुरुद्ध जी, आपने काफ़ी अच्छा गाना है, काफ़ी डिफिकल्ट भी है गाना गाने में, आपने बहुत अच्छी कोशिश की और मुझे अच्छा लगा। और अनुरुद्ध जी, मैं एक चीज़ आपसे, आपके जरिए सभी लोग जो हमारे दर्शक देखते हैं उन सभी को ये चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हमारा ये फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में आप लोगों को जो है पब्लिक लाइफ का बहुत बड़ा वेट है। तो जो भी हमारे साइड से आपको जो है गाइडेंस आते हैं, तो उस चीज़ को, रूल्स को आप लोग फॉलो कीजिएगा, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड में पब्लिक लाइक अच्छा ना होने के कारण अच्छे अच्छे सिंगर्स भी जो है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उस बात से ऑब्वियसली हम लोग एज ए म्यूजिक लवर, एज ए म्यूजिक यू नो लाइक प्रोफेशन के हैं हम लोग, हमें भी दुख होता है कि अच्छे कैंडिडेट अगर आगे नहीं आ पाते हैं तो, राइट? तो वो हमारा फॉर्मेट है, कंपनी का फॉर्मेट है, और कैसे आप लोग जो है आगे आते हैं। आपने अच्छा गाने के साथ साथ पब्लिक लाइक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग जो है अच्छे गाने वाले सभी सिंगर्स
उस चीज को समझे। हम लोग सेकेंड राउंड में जब आप लोग सिलेक्ट होके आएंगे अनिरुद्ध जी, तो उस पर हम लोग बहुत अच्छा सारी चर्चाएं करेंगे, फीडबैक की चीजें बातें करेंगे, हमारे पूरे जज पैनल बैठेंगे, वो सब चीजें आपको लाइव होके आपको सब चीजें बताएंगे। तो विश यू ऑल द जी बेस्ट अनिरुद्ध जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गाना, देखते हैं पब्लिक आपको कितना लाइक करती है। थैंक यू सो मच, कल तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएगा ये। आप अपना नाम और व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि हम, मैंने ऑडिशन दे दिया है सर बोल के, सभी कंटेस्टेंट के लिए मैं बोल रहा ओके हूँ सर, सब। जो जो नंबर पे पहले मैंने मैसेज किया था उसी पे ना। बिल्कुल, हमारा एक ही व्हाट्सएप नंबर है, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, तो उसी पे आप लोग सेंड कीजिएगा। तो विश यू ऑल द ओके बेस्ट अनुज जी, थैंक यू सो मच, ओके थैंक सर, यू, ओके सर, थैंक ओके ओके यू। जैसे कि इस ऑडिशन में फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पे ही नहीं, हम लोग जो है टीवी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे टीवी चैनल पे, दो टीवी चैनल पे हमारे शो हैं, एक है हमारे दूरदर्शन पे सिंगिंग रियलिटी शो है, जिसपे आपका सॉन्ग्स के सिंगिंग, सॉन्ग्स गजल्स हर चीजें होंगे। एक हमारा जो है आस्था के साथ में भजन सम्राट जो है हमारा आ रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, ये जो पार्टिसिपेंट हैं टॉप 5, उनको तो हम लोग बॉलीवुड में प्रमोट करेंगे, उनके म्यूजिक वीडियोस बनेंगे, उनके फिल्म में हमारे चांस देंगे, ऑल ओवर इंडिया में जो है कंसर्ट में वो हमारे साथ शोज में रहेंगे, और 2 ईयर का HD3 फिल्म्स के साथ वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सब चीजें, सर्टिफिकेट, मेडल, सब चीजें तो है ही इसमें। और एडिशनल चीजें क्या है इसमें, मैं आपको बता दूं कि टॉप 15 लोग डायरेक्टली हमारे जो टीवी शो में परफॉर्म करेंगे, जो हमारा ये ऑनलाइन शो है, रियलिटी शो जो हमारे फेसबुक यूट्यूब पे चल रहा है, तो ये इसमें टॉप 15 में अगर आप आते हैं दोस्तों, तो आप जो है हमारे टीवी चैनल पे डायरेक्टली आप सिलेक्टेड माने जाएंगे और डायरेक्टली आप परफॉर्म करेंगे उस पे। तो ये एक आपको एडिशनल चीजें हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब 1 से लेके 15 तक के सभी को जो है हम लोग उसमें कंसिडर करके उसमें टीवी पे ले जाएंगे और वो उन पे करेंगे। उसका अलग शो है, अलग जो है उसका ऑडिशन होना है, वो तो है ही, लेकिन ये जो शो है हमारा, जो हमारे यूट्यूब पे जो हमारा ऑनलाइन रियलिटी शो है, द नेक्स्ट सोशल सिंगिंग स्टार, तो उसके पार्टिसिपेट को हम डायरेक्टली उसमें एक एडिशनल बेनिफिट देंगे उस हमारे टीवी रियलिटी शो के लिए। तो हो पाएगा मोस्टली हमारा फॉर्मेट क्या है कि आपको, हमें आपका नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका ईमेल आईडी हमारे फेसबुक पेज पे HD3 फिल्म्स के इंग्लिश में लिखा होगा, HD3 फिल्म्स, हिंदी में HD3 फिल्म्स लिखा हुआ वो हमारा आईडी है, इंग्लिश में होगा HD3 फिल्म्स, उस पेज पे आपका नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए। तो आपको ऑडिशन के पहले 15 मिनट पहले आपको लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होता है, आपका नाम लिखना होता है, उसके बाद में अलाउ माइक एंड कैमरा करना होता है, जिससे कि आप डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो उसके बाद में आपका कॉल होकर ऑडिशन होता है। तो हमारा ऑडिशन जो होता है सैटरडे और वेंसडे 5 PM होता है, तो 5 to 6 PM होता है, सभी को मैं ये बता देना चाहूंगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9205513143, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, जो हमारे इस वीडियो में भी है, जो हमारे फेसबुक पेज पर भी है। तो आप लोग वो फॉर्मेट का भी बिल्कुल आप जो है रूल्स एंड फॉर्मेट को भी उसके अकॉर्डिंग चले दोस्तों। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को सभी को ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड एक हमारा लाइव था फेसबुक पेज का, उसको हमने यूट्यूब चैनल पर रख दिया है, उसको आप पूरा देखें पहले दोस्तों, ऑडिशन देने के पहले पूरी चीजें आप उसको देखें, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट है, आपको क्या मिलेगा आगे फ्यूचर में, इस ऑडिशन का क्या होगा, वो सब चीजें उसमें हमने बताया।